no sleep. My veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blinded by this concrete. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering how far. Hello, assalamu alaikum, namaste everyone from my home. अभी रात के लगभग 2 या 2:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा है इस वक्त। यहाँ पे थोड़ा सा इस वक्त सन्नाटा होता है क्योंकि अगर दिन में शूट करता तो थोड़ा सा ना आवाज़ आता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो रात में शूट करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो हमारा नेपाल सीरीज़ हो गया, उस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा ये कि एक गैजेट हमने लिया है वो आपके सामने दिखाएंगे। तीसरा आपसे हम आपकी राय मांगेंगे कि जो अगला डेस्टिनेशन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए। आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आपने नेपाल में इतना ज़्यादा प्यार दिया, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और बहुत जगह से मतलब कमेंट हमारे वीडियोस में आए हैं और पढ़कर बड़ी खुशी होती है कि लोग इतने दूर दूर से वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं और मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है और एक पॉजिटिविटी भी आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए और मेरे काम को आपने इतना प्यार दिया पिछले सीरीज़ में। खैर अब क्या है कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरे पास माशाल्लाह चीज़ें हैं जिससे वीडियो बन जाती हैं, जैसे ये कैमरा हो गया और माइक हो गया। तो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो थी हमारे पास, लेकिन एक चीज़ की कमी थी। कोशिश में लगा हुआ था मैं कि पैसे जमा कर करके किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा ना वो चीज़ ले लेंगे, तो शायद अल्लाह को मंजूर था ये, इस बार नेपाल से आने के बाद वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो वो चीज़ हमें मिल गई है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है ड्रोन, ये है DJI Mini 2। मेरा मकसद सिर्फ वो नहीं है कि सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाना है या फिर मेरे पास ड्रोन हो, गैजेट अच्छा हो तो अच्छे क्रिएटर हम कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए इसको लिया कि इससे जो व्यू आसपास का मिलता है वो ज़्यादा अच्छा ये कैप्चर कर पाता है बनिस्बत के ये कैमरा, है ना। तो इसलिए मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि इतने अच्छे अच्छे जगह पे जाते हैं और वो अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको बहुत हद तक दिखा नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं कमी थी। तो मैंने सोचा कि यार ये ड्रोन कैमरा किसी भी हाल में ना लेना ही है। तो ऐसा करते हैं कि आपको निकाल के दिखाते हैं कि ड्रोन जो मैंने लिया है Mini 2 वो कैसा है। ये सब आप लोगों की दुआ की वजह से हुआ है। अगर आप लोगों की दुआ रही तो और भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें, काम की चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लूँगा। खामखा वाली चीज़ें मैं वैसे भी नहीं लेता। तो ये है DJI का Mini 2 जो कि सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड नहीं लिया है मैंने। फ़र्स्ट हैंड लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो अभी पैसा था नहीं तो जो मिल रहा था वो मैंने ले लिया। तो ये ड्रोन है, पहले आप देख लीजिए ये ड्रोन। और इसके साथ क्या है, इसके साथ इसका ये रिमोट है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो इसकी बैटरी है, इसके साथ 3 बैटरी हमें मिली है। एक कॉम्बो पैक है, इसे कहते हैं कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में क्या होता है कि एक तो ड्रोन होगा, उसके साथ 3 बैटरी और रिमोट और एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसका जो पंख है वो भी एक्स्ट्रा है, तो वो भी दिखा देते हैं आपको। इसमें होगा ये, है ना, ये एक्स्ट्रा पंखी इसमें है जो कि यूज़ नहीं किया हुआ है, बिल्कुल पैक है। तो बहुत दिली ख्वाहिश थी कि ड्रोन होता हमारे पास, इसका जो कैमरा है 4K कैमरा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आज से जो भी वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे वो इंशाल्लाह 4K में वीडियो अपलोड होगा इंशाल्लाह। मेरा ये इरादा है, इस फ़ोन से मैं करता हूँ यार एडिट। 4K में ना वीडियो फंसता है, जब एडिट करने बैठो ना तो फंसता है। तो इसी वजह से ना मैं 1080p 60fps में हमेशा वीडियो शूट करती वीडियो एडिट करता हूँ। लेकिन इस बार इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से, लैपटॉप है नहीं हमारे पास, तो जो चीज़ है उसी से हमें वो सारी चीज़ें करनी होती है। तो
तो हमारे पास एक आसूस का फ़ोन है, तो उसी से वीडियो एडिट करते हैं हम। कोशिश यही रहती है कि अच्छे से एडिट करके आपके सामने मैं वीडियो को पेश करूँ। थोड़ा सा इस ड्रोन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये ड्रोन DJI Mini 2 है और ये 4K 30 FPS पे वीडियो शूट करता है। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया में ये जो मैक्सिमम ऊपर जाता है ये लगभग 15 मीटर से ज़्यादा नहीं जाता। जैसे आप जाएंगे तो वो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड का वो सिग्नल आता है, फिर वो ऊपर नहीं जाता। बात करें कि आप दूर कितना भेज सकते हैं, तो दूर मेरे ख़्याल से बहुत दूर चला जाता है यार, 4-5 किलोमीटर मेरे ख्याल से ना चला जाता है। तो इसकी जो रेंज है बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन ऊपर जाने के लिए भी जुगाड़ है, जो कि शायद लोग पैसा लेकर के करवा लेते हैं, लगभग 1 किलोमीटर या 500 मीटर ऐसा कुछ ऊपर ड्रोन चला जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ शायद पैसा वैसा पे करना पड़ता है या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप से आपको इस ड्रोन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि आपसे 3 बातें मैं करूँगा। एक तो नेपाल सीरीज़ में आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना था आपका। दूसरी चीज़ ये कि आपको ड्रोन दिखाना था कि ड्रोन हमने लिया है DJI Mini 2। और तीसरी बात ये कि जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप होगा वो कहाँ का होगा। वैसे मेरा इरादा बड़ा मन था कश्मीर जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त को और मालूम किया तो मालूम चला है कि अभी पहाड़ों के ऊपर स्नो पड़ी है, तो अभी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे 3-4 ट्रैक करने हैं कश्मीर में, बहुत प्यारे प्यारे ट्रैक हैं, और अब तो ड्रोन आ गया तो बहुत अच्छा फुटेज आएगा। तो मेरा बड़ा मन था कश्मीर जाने का और आपको उस वादियों को दिखाने का। बंगस वैली रह गया है, उसे एक्सप्लोर करना है। दूध पथरी का मैंने आपको विंटर का व्लॉग बना करके दिखाया है, लेकिन दूध पथरी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। उसका जो मतलब अलग ही दिखता है यार वो। अभी जो बाहर का मौसम आएगा ना, स्नो हटेगी और जो ग्रीन जो वहाँ का जो नज़ारा होगा बहुत ही अलग होगा, शायद वो वीडियो में दिख जाएगा आपको। तो कश्मीर जाने का मेरा बड़ा ख्वाहिश था, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ अभी स्नो पड़ी है, तो जब तक स्नो हट नहीं जाती अच्छे तरीके से तो फिर जाना बेकार है। तो मैंने सोचा यार मुंबई जाते हैं। मुंबई, जी हाँ, मुंबई जाने का मैंने सोचा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाने का इरादा है मुंबई। कहते हैं कि वो सपनों का शहर है, ज़रा देखें कैसा होता है सपनों का शहर। आपकी क्या राय है, मुंबई जाना मेरा क्या ठीक रहेगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस ड्रोन के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या अच्छी डील मिली कि नहीं मिली, ये भी बताइए। अच्छा, अब ड्रोन के दाम के बारे में आपसे बात कर लेते हैं कि अगर आप DJI Mini 2 ड्रोन लेते हैं नया, तो अमेज़ॉन पर लगभग मेरे ख्याल से 80-88 हज़ार रुपया इसका दाम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मुझे ये मिला 30-35 हज़ार के अराउंड। एक्चुअली हुआ ये कि हमारे मोहल्ले में ही किसी दूर के रिश्तेदार हैं हमारे, लेकिन उनसे ताल्लुक़ बड़ा अच्छा है, वो व्लॉग हमेशा हमारी देखते हैं। तो उनसे मैंने इसे जिक्र किया था कि अगर आप ड्रोन बेचना चाहते हैं तो हम ड्रोन ले लेंगे, क्योंकि मुझे ड्रोन लेना है वैसे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर अचानक उन्होंने नेक्स्ट डे हमें बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें ड्रोन लेना है तो ले सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो जिन्होंने ड्रोन दिया उनका नाम आरिफ भाई है। आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप। तो चलिए, अब क्या है कि आप थोड़ा सा ड्रोन शॉट आप देख लीजिए और बताइए हमें कि हमने कैसा शूट किया है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ड्रोन और ये जो ड्रोन शॉट है वो आपको पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको ये ड्रोन शॉट लगा, और जो मेरा नेक्स्ट ट्रिप है मुंबई के लिए उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुंबई जैसे शहर में या मुंबई के आसपास पुणे तक जो भी घूमने की जगह हैं वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई मुंबई से है तो वो बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।